अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम माइंड वेल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई नो टाइटल और थंबनेल देखकर आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये कराची जू म्यूज़ियम की वीडियो है। इस वक्त कराची जू म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और इस टेयर को देख कर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल रियल है। इसे प्रिजर्व किया गया है टैक्सीडर्मी प्रोसेस के थ्रू। 200 प्लस एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को यहाँ प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि कराची जू के ही एनिमल्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है इस मंकी की फैमिली को कि ये बिल्कुल ज़िंदा हैं और ये डेड बॉडीज़ नहीं हैं। मैं तो आपसे कहूँगी जब भी आप कराची जू विज़िट करें, मस्ट इस जगह पर आएँ और बच्चों को भी साथ लेकर आएँ। देखिए राइनो स्कल, गेंडे का सर, जो कि ये लोग बाहर कह भी रहे थे कि इन्हें प्रिजर्व किया गया है। ये देखें आप स्कल ऑफ राइनो। लास्ट ईयर फाइट लायन की भी डेथ हो गई थी और मुझे लगता है कि ये उसी की डेड बॉडी है। इसे प्रिजर्व किया गया है कराची जू में। देखने से लग रहा है कि अभी ये चलना फिरना स्टार्ट कर देगा। ये भी एक आर्ट है। टैक्सीडर्मी प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है स्टडी के लिए या फिर म्यूज़ियम में रखने के लिए। मस्ट आप भी इस जगह का विज़िट करें। मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ पर विज़िट ज़रूर करती हूँ और इस दफ़ा तो मुझे चेंजेस भी देखने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट बॉडीज़ को प्रिजर्व किया गया है, जैसे वाइट लायन, क्रोकोडाइल और भी डिफरेंट बॉडीज़ मैंने यहाँ पे देखा है। तो आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपको मस्त पसंद आएगी। इस पॉइंट पर तमाम बर्ड्स को रखा गया है। ये देखें आप, वो मकाऊ लग रहा है मुझे। और ये है फोर लेग हैंड, जिसके बारे में कहा जाता कि जा रहा था कि चार टांगों वाली मुर्गी की भी डेड बॉडी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। ये देखें आप। लास्ट ईयर भी मैंने कराची जू म्यूज़ियम की वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में फॉरेस्ट टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। उनकी डेड बॉडीज़ को अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है कि एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि कैमल की डेड बॉडी है और ब्लू पिकॉक, ये पिकॉक की डेड बॉडी है, देखें इसे भी प्रिजर्व किया गया है इस म्यूज़ियम में कराची जू में। टैक्सीडर्मी प्रोसेस में एनिमल की जो स्किन होती है वो रियल होती है और इसे फेक बॉडी में कन्वर्ट किया जाता है, तो पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये ज़िंदा हैं। टैक्सीडर्मी प्रोसेस में जहाँ तक मुझे याद है, इसमें सिलिकॉन, रबर, प्लास्टिक, फोम्स एंड पिगमेंट्स को यूज़ किया जाता है। ये देखें आप, इस टियर को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ज़िंदा है। नेक्स्ट आप ये आर्ट देखें। ये देखें आप, ऐसा लगता है कि इसने इसका शिकार कर लिया। नेक्स्ट इस प्लेस पर एक मकाऊ है, बाकी पीजन है, गोल्डन पीजन है। यहाँ पर इस पोर्शन में तमाम पीजन्स को रखा गया है। वाओ, अमेजिंग, किस खूबसूरती से इस पिकअप को यहाँ पे अरेंज किया गया है। ये देखें आप, और नीचे भी डियर को रखा गया है। आई होप कराची म्यूज़ियम की ये वीडियो आपको मस्त पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। वो देखें स्कल ऑफ एलिफेंट, मधुबाला को तो नहीं है, लेकिन नहीं ये तो बहुत पुराना लग रहा है। मेंशन भी स्कल ऑफ एलिफेंट, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो मस्ट इस म्यूज़ियम का विज़िट करें। ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल ने इस पर अटैक कर दिया और इसका शिकार कर लिया है। एक फॉरेस्ट टाइप एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई है इस कराची जू म्यूज़ियम में। मैं तो कहूँगी कि आप मस्ट विज़िट करें, स्पेशली बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ। क्रोकोडाइल की भी लगता है डेथ हो गई है। वो क्या सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है ये देखें आप, मैं करीब से भी आपको दिखा रही हूँ।
10 से 12 जानवर को यहाँ पर ऐड किया गया है। इससे पहले ये जानवर यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया है। अगर आप लास्ट ईयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को मस्ट ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये वाइट पीकॉक है, इसके अलावा ब्लू पीकॉक भी है इस पोर्शन में। ये भी एक हॉरिबल सीन है, मैं आपको कोशिश करती हूँ जूम करके इसके दांत दिखाऊँ। ये देखें आप, पहले ये कोबरा और स्नेक्स यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अभी ने भी इस म्यूजियम में रखा गया है। कराची जू म्यूजियम की वीडियो को अब मैं यहीं कर रही हूँ, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको मस्त पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।